Yes, today I am going to tell you a practical session of input-output function. So let us start. सबसे पहले हम लोग stdio.h और conio.h दो header file लेंगे, जो एक तो input के लिए है और conio जो है वो clr, scr, clear screen और getch के लिए है. फिर हम main को int form में खोलेंगे और उसमें void type लेंगे. इंट इसलिए लिया है कि जब हम रिटर्न करते हैं वैल्यू जीरो तो मेन जो होता है वो टर्मिनेट हो जाता है, फंक्शन खत्म हो जाता है. फिर हम तीन वेरिएबल ले रहे हैं, करेक्टर नेम 20, इंट एज, फ्लोट सैलरी. तो एज को इंटीजर में, करेक्टर को नेम में और सैलरी को फ्लोट में लिया. फिर सी एल आर एस सी आर किया. अब इनपुट करेंगे नेम को. नेम को इनपुट करने के लिए स्पेसिफायर लगाएंगे जिसमें हम बड़ा अल्फाबेट ए टू जेड और स्मॉल अल्फाबेट ए टू जेड ले सकते हैं. तो उसके लिए हमने ब्रैकेट में ए टू जेड और ए टू जेड स्मॉल परसेंट के साथ लगाया. फिर एफ फ्लश एस टी डी इन किया, फ्लश द इनपुट स्ट्रीम इन केस ऑफ बैड इनपुट. गड़बड़ इनपुट के लिए वो स्ट्रीम को क्लियर करेगा. फिर इनपुट एज एज एन एज एज एन इंटीजर. एज को इंटीजर फॉर्म में इनपुट करने के लिए प्रिंट एफ करेंगे प्रॉम्प्ट एज और स्कैन एफ परसेंट डी करेंगे, क्योंकि एज जो डेसिमल में नहीं हो सकती, और एम परसेंट एज लगाएंगे जो स्कैन एफ का सिंटैक्स है न्यूमरिक वेरिएबल के लिए. ये न्यूमरिक वेरिएबल हो गया ना, हमने आपको वेरिएबल डिफाइन करना बताया था. अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे सी के सीरीज में जा करके इनपुट आउटपुट फंक्शन को पढ़ सकते हैं, स्पेसिफायर को. फ्लश एस टी डी इन कैसे वेरिएबल डिफाइन करते हैं, उस पर एक पूरा वीडियो बना हुआ है, उसको देख लीजिए. फ्लश द इनपुट स्ट्रीम इन केस ऑफ बैड इनपुट. देन इनपुट सैलरी. सैलरी जो होगी हमारी डेसिमल में भी हो सकती है, इसलिए हमने इसको फ्लोट लिया और प्रिंट सैलरी किया प्रॉम्प्ट के लिए. स्कैन एफ परसेंट एफ करके सैलरी लिया. सैलरी को भी एम परसेंट लगा के लेंगे, क्योंकि नंबर जो होता है वो एड्रेस फॉर्म में करने के लिए, उसका एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए एम परसेंट लगता है. एफ फ्लैश करेंगे कि अगर बैड कोई एंट्री है तो वो क्लियर हो जाए स्ट्रीम से. फिर उसके बाद हम जो इनपुट करते हैं उसको प्रिंट करा देंगे. इनपुट अ नेम एज एंड सैलरी एज अ स्ट्रीम. यहाँ पे इनपुट नहीं होगा, यहाँ पे प्रिंट होगा. प्रिंट अ नेम एज एंड सैलरी एज अ स्ट्रिंग इंटीजर एंड डबल. डबल नहीं होगा, फ्लोट होगा. पहले हम डबल ले रहे थे इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोट होगा. और स्ट्रक्चर में करा रहे थे तो हमने स्ट्रक्चर हटाया, क्योंकि स्ट्रक्चर अभी आपको हमने पढ़ाया नहीं है. फिर प्रिंट एफ करेंगे एंटर्ड योर नेम एज एंड सैलरी. अब ये देखिए बैक स्लैश एन लगा. बैक स्लैश एन कब लगाते हैं, जब हमारी वैल्यू दूसरे लाइन पे जाती है तो वहाँ पे बैक स्लैश एन लगाते हैं. फिर उसके बाद प्रिंट किया परसेंट 20s. अब यहाँ पे स्पेसिफायर लगा 20s, जो नेम को 20 करेक्टर्स लेकर प्रिंट करेगा. और परसेंट डी जो एज के लिए है, और परसेंट एफ जो है फ्लोट सैलरी के लिए. अब इसको हम रन करते हैं. ऑल्टर आर करिएगा तो रन आ जाएगा. जब आप रन करिएगा तो यहाँ पे नाम डाल दीजिए अमित, एज डाल दीजिए, सैलरी डाल दीजिए, तो एंटर योर नेम एज एंड सैलरी ये आ गया. वो गेट सी एच लगा था ना, ले नहीं रहा था इसलिए वो नहीं कर रहा था. अब गेट सी एच जब लगा रहता है तो स्क्रीन थोड़ी देर के लिए हॉल्ट हो जाती है. एंटर योर नेम एज एंड सैलरी. अब देखिए यहाँ पर क्योंकि फ्लोट ले रखा है तो फ्लोट के बाद 6 डिजिट तक उसने प्रिसीशन को ले लिया, डेसिमल पॉइंट को. तो इस तरह से हम इनपुट और आउटपुट फंक्शन विद स्पेसिफायर यूज कर सकते हैं. So this is all in this first session. I will take a 5 session today for the practical session.
you see one by one. Thank you for this session.